हेलो वेलकम टू डी एस एजे होम क्लासेज ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू माय सेल्फ लाल सिंह टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट रामबन तो आज फिर से मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लिया है जो टेंसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी क्लासेस के लिए सिक्स टू टेंथ तो कल हमने बात की थी किसकी एग्रीमेंट ऑफ वर्क विद इट सब्जेक्ट आज वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे वर्क वर्ब्स वर्ब दियर टेंसेसिस

यानी थ्री डिवीजन ऑफ टाइम में प्रेजेंट में पास्ट में या फ्यूचर में उसके बाद इट इज़ डन एट ए डेफिनेट आर एंड इनडेफिनेट टाइम या ये डेफिनेट टाइम में करेगा या इनडेफिनेट टाइम में इट इज़ स्टिल कंटिन्यूज आर नॉट ये कंटिन्यू भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है इट हैज़ बिकम कंप्लीट आर नॉट कंप्लीट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है दीज थ्री फ्यूचर्स दीज फ्यूचर्स टाइम डेफिनेट आर इनडेफिनेट कंटिन्यूटी कंप्लीटनेस आर द बेस ऑफ वट वी कॉल दें वर्ब यही जो फ्यूचर्स हैं टाइम जिसमें आएगाट और आर इनडेफिनेट कंटिन्यूटी आर कम्पलीटनेस ये बेस है जिसको हम क्या बोलते हैं टेंस ऑफ दर्क अब टेंस होते क्या है दस ए वर्क ऑफ वर्क क्या शो करते हैं दैट शो द टाइम स्टेट एंड डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन टेंटेट एंड डिग्री ऑफ कम्प्लीटनेस ऑफ एक्शन कब ये कंप्लीट होता है कोई एक्शन तो उसके बारे में आर थ्री मेन टेंसेज हमारे पास कितने तीन मेन टेंसेज हैं पहला आ गया टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस तो हम बात करेंगे यानी तीन है इनकी तीन की आगे फिर चार चार हैं द प्रजेंट टेंस होता क्या पहले द प्रजेंट टेंस विच शो दैट द एक्शन इज डन एट प्रजेंट टाइम यानी प्रेजेंट टेंस वो होता है जो शो करेगा किसी भी एक्शन को जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है जैसे आई गो टू स्कूल आई गो टू स्कूल पास्ट टेंस पास्ट टेंस विच शोज दैट द एक्शन वाज डन ऐट द पास्ट टाइम यानी पास्ट टेंस क्या शो करता है कोई भी एक्शन जो कब हुआ पा, पास्ट में हुआ यानी प्रेजेंट अभी पास्ट जो पहले हो चुका है माजी जो बीत गया है उसमें आई वेंट टू स्कूल में स्कूल गया The, उसके बाद तीसरा जो आता है फ्यूचर टेंस द फ्यूचर टेंस द फ्यूचर टेंस विच शो दैट एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम जो एक्शन होगा आने वाले समय में होगा जैसे आई विल गो टू स्कूल में स्कूल जाऊंगा ईच ऑफ द थ्री मेन टेंसेज है फोर डिफरेंट फॉर्म हर एक जो ये टेंसेज है इसकी चार अलग अलग फॉर्म है पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है इसे दूसरा आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस ये आगे प्रेजेंट की चार पॉइंट इसी तरह से पास्ट टेंस की भी चार होंगी जैसे पास्ट टेंस पहली पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देन आ जाता हमारे पास फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंसेज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आर सिंपल फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये आगे इसकी चार टेंस है। इस थोड़ा सा हम टेबल को स्टडी करते हैं जैसे टेबल ऑफ टेंसेज यानी टेंस फिर उनकी चारों काइंड्स लिखी है इनडेफिनेट कंटीन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूस जैसे प्रेजेंट की बात करता हूँ मैं इन सिंपल प्रेजेंट में आई गो कंटीन्यूस में आई एम गोइंग परफेक्ट में आई हैव गॉन परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैव बीन गोइंग इसी तरह पास्ट में आई वेंट पास्ट इनडेफिनेट में आई वेंट पास्ट कंटीन्यूस में आई वॉज गोइंग पास्ट परफेक्ट में आई हैड गॉन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैड बीन गोइंग फ्यूचर में आई शेल गो फ्यूचर कंटिन्यूस में आई शैल बी गोइंग फ्यूचर परफेक्ट में आई शेल हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आई शैल हैव बीन गोइंग तो ये टेंस का टेबल था उसके बाद द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यानी जो जोटिव सेंटेंस हैं तो उसमें सब्जेक्ट आई वी यू दे नॉन जो होगा प्लोर होंगे इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा और ही शी इट और नॉन जो सिंगुलर होंगे उनमें फर्स्ट ऑफ वर्ब प्लस एस आर ई एस लगेगा थर्ड थर्ड पर्सन के साथ जब इसी तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर डू डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो थर्ड पर्सन के साथ ही शी इट के साथ के लगेगा डज प्लस नाट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लगेगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन ही शी इट के साथ जैसे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन इन जनरल इन थर्ड पर्सन वी एड एस जनरली हम थर्ड पर्सन के साथ हम एस एड करते हैं जैसे सब्जेक्ट में आई यू वी दे स्पीक हमारे पास स्पीक या लर्न द रेस्ट ऑफ देंटेंस है इंग्लिश एट होम हीट स्पीक्स आर लर्न इंग्लिश एट होम द स्पेलिंग फॉर दर्ब इन थर्डन डिफर डिपेंडिंग ऑन द एंडिंग ऑफ दर्ब द स्पेलिंग जो वर्ब की डिपेंड करते हैं थर्ड पर्सन में डिफर डिपेंडिंग ऑन द एंड जैसे फॉर वर्डिंग इन ओ ओ डबल एस सी एच एक्स आर जेड वी एड एस इन थर्ड पर्सन यानी क्या कहते हैं थर्ड पर्सन में जो वर्ब होंगे जैसे जो एंड होंगे एस से डबल एस से सी एच से एक्स से आर जेड से उनके साथ ई एस एड किया जाता है जैसे गो के साथ गोज मिस के साथ टीचिस वाश के साथ वाशिस, वाशिस मिक्स के साथ मिक्सिस दूसरी फार वर्ब दैट एंड विद वाई प्रोसीडिंग बाई ए कॉन्सोनेंट जो वर्ब एंड किससे होगा वाई के साथ और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को रिमूव करके आई एस एड किया जाता है एज कैरी कैरीज फ्लाई फ्लाईज कै स्टडी स्टडीज फॉर वर्क दैट एंड इन एंड इन ए वावल प्लस वाई यानी एंड होगा वावल के वाई के, के साथ लेकिन वाई से पहले क्या होगा वावल होगा वी जस्ट एड एस जैसे प्ले प्लेज इंजॉय एंजॉय सी सीज अब हमारे पास यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है कैसे यूज होता है द प्रजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन देट टेक प्लेस एट प्रेजेंट मोमेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन देट टेक प्लेस एट प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहे होंगे पहला आ, ये सीता सिंह से सांग एन एक्शन दैट टेक प्लेस एट प्रेजेंट मूव सीता सिंह से सांग सीता गाना गा रही है एन एक्शन दैट शो ए हैबिट और कस्टम वो एक्शन जो हैबिट या कस्टम दिखा रही जैसे ही राइज अर्ली इन द मॉर्निंग वो सुबह जल्दी उठता है ये इसकी हैबिट है ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे ये उसकी हैबिट है रोज एक्सरसाइज ही की भी प्रॉमिस वो अपने वादे का पूरा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ आर ए मैग्जिम एज हार्ड वर्क पे इन द लॉन्ग रन यानी हार्ड वर्क पे इन द लॉन्ग रन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी द सन राइज इज इन यूनिवर्सल ये ये ट्रूथ है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट्स में आता है सेइंग आर कोटेशन ऑफ एन आथर डेड आर लिविंग यानी किसी आथर की कोटेशन को कहना आथर चाहे जिंदा हो या हुआ जैसे ट्रांसन सीज आवर लिटल सिस्टम हैव देयर डे यानी कीट सीज कीट्स ने कहा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जाय फॉर एवर इंगटेशन ऑफ आथर्स तो ये भी प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही आती है ए फ्यूचर प्लान प्लान इवेंट ए फ्यूचर प्लान इवेंट विच इज ऑलरेडी अरेन्ज एज आई गो टू दैली नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर प्लान इवेंट जो ऑलरेडी अरेंज करके रखा जैसे आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते मैं दिल्ली जाऊँ हिज मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक उसकी शादी अगले हफ्ते आने वाली है दे लीव एट नाइन ए एम टमारो वो कल सुबह नौ बजे जाएंगे नेक्स्ट कहाँ लगता है प्रेजेंट इन ए पास्ट इवेंट इन ऑर्डर टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर रियल आर ग्राफिक यानी किसी पास्ट इवेंट की डिस्क्रिप्शन देनी है मोर रियल एंड ग्राफिक एज अलेक्जेंडर ब्रिंग्स ए लार्ज आर्मी टू अटैक इंडिया ही ऑर्डर्स

यानी प्रेजेंट डेफिनेट आई शेल नॉट स्पेयर हिम अनलेस ही रिक्वेस्ट फॉर एन नेपोल मैं तब तक उसे स्पेयर नहीं करूंगा जब तक वो मुझे रिक्वेस्ट नहीं करेगा माफी यू विल गेट फर्स्ट क्लास इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम तो मेहनत करोगे तो मैं फर्स्ट क्लास मिलेगी इन कंडीशनल क्लास वेन द मेन क्लास इन फ्यूचर टेंस इन कंडीशनल क्लास में जब मेन क्लास किस में होगा फ्यूचर टेंस में तो इफ आई गो टू दैली आई शैल ब्रिंग ए बुक फॉर यू मैं दहली जाऊंगा तुम्हारे लिए किताब लाऊंगा वेन द कैप्टन कैप्टन कम्स द मैच विल बी जब कैप्टन आएगा मैच शुरू हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी प्रजेंट इन डेफिनेटकीनिटी या स्टेटमेंट सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्फ प्लस एस आर ई एस लगेगा तो नेगेटिव में हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू अब्लिक डज प्लस फर्स्ट मा ऑफ दर्क प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू ओब्लिक प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ग प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस साइन ऑफ इंटरोगे जैसे चार्ट ऑफ टेंस विद विध के साथ चार्ट बनाया मैंने सिंपल प्रेजेंट जैसे पॉजिटिव सेंटेंस आई डू माई वर्क नेगेटिव में आई डू नॉट वर्क इंटरटिव में डू आई वर्क वी डी डर वर्क वी नेगेटिव में वी डू नॉट वर्क और इंट्रोगेटिव में डू वी वर्क इसी तरह यू के साथ यू डू योर वर्क नेगेटिव में यू डू यू डू नॉट वर्क डू यू वर्क इंट्रोगेटिव में जैसे फिर ही डज हिज वर्क पॉजिटिव ही डज नॉट वर्क नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में मनेगा डज ही वर्क इसी तरह से पॉजिटिव में शी डज हर वर्क नेगेटिव में शी डज नॉट वर्क और इंटरोगेटिव में डज शी वर्क इसी तरह पॉजिटिव में इट डज इट्स वर्क इट डज नॉट वर्क नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डज इट वर्क फिर हमारे पास आता है पॉजिटिव में दे दे डू देयर वर्क नेगेटिव में दे डू नॉट वर्क और इंटरोगेटिव में डू दे वर्क Thank you.